हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर फॉर एडिशन एंड एरर फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड फॉर एक्सपोनेंट्स, फॉर विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी सम बेसिक टर्म्स विच आर लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम जो होता है एक्चुअल में हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। लॉगरिथम के बेस पर जो कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते, उन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली हम लॉगरिथम के बेस पर कर सकते हैं। तो लॉगरिथम का मैं बेसिक मतलब बता रहा हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो लॉग, ये लॉगरिथम का सिंबल होता है। हम एक्स का लॉग लेना चाह रहे हैं, नीचे होता है बेस, बेस बाई पर इक्वल टू हमने ले लिया ए के बराबर। तो जो लॉग का ये एक्सप्रेशन है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है लॉग किस नंबर का है, एक्स का। तो हमें एक रूल याद रखना है, किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर, बेस क्या है यहां पे हमारा लॉग का ये बेस होता है, तो बेस वही रहेगा, तो बेस कौन है बाई, उसकी पावर के बराबर होता है। तो इसका मतलब जिसके इक्वल है लॉग वो कौन है, पावर है, तो बाई रेस टू द पावर ए। तो लॉग का मतलब ये होता है, इट मीन्स हम लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है, या तो हम पावर की फॉर्म में लें या उसको ऐसे कन्वर्ट कर दें लॉग की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लॉग 16 बेस 4, मुझे फाइंड आउट करना है कि लॉग 16 बेस 4 आखिर कितना होगा, या मैंने ये ए मान लिया, तो हमें ए पूछा है ए क्या होगा, फाइंड ए। तो सॉल्यूशन, तो आप इस लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में स्टूडेंट्स, किसी नंबर का लॉग, तो नंबर कौन है यहां 16, उसी बेस पर, बेस कौन है 4, किसके बराबर होता था, पावर के बराबर होता, तो इक्वल में जो है उसको पावर बनाना है 4 रेस्ट पावर ए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 रेस्ट पावर 2 इक्वल टू 4 रेस्ट पावर ए, तुम्हारा ए कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो यहां पे हमने इसे कैसे सीखा, क्योंकि हम लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जानते हैं, और ऐसे ही हम एक्सपोनेंट को लॉग में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब की बार मुझे एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे राइट एक्स रेज टू दी पावर बाई इक्वल टू जेड इन लॉगरिथम फॉर्म। लिखो स्टूडेंट्स इसमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है ऐसे हम, तो किसी नंबर का लॉग, यहाँ पे इक्वल टू में जो वो नंबर है, तो लॉग किसका लेना पड़ेगा जेड का, उसी बेस पर, यहाँ पे बेस कौन था नीचे एक्स था, किसके बराबर होता था पावर की, तो पावर कौन है बाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लॉग का बेसिक मतलब था यहाँ पे। अब लॉग के हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग वाई बेस ई, दोनों प्लस में है, तो आपको पता है अगर प्लस में लॉग हो तो उसको इनटू में लेके जा सकते हैं, लॉग एक्स इनटू वाई बेस में ई। नेक्स्ट वन, अगर लॉग एक्स बेस ई है माइनस लॉग वाई बेस ई है, तो उसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं log x अपॉन y बेस e। इसका मतलब क्या है कि प्लस में अगर दो क्वांटिटी आ रही है log के साथ, तो इक्वल में वो इनटू में आ जाएंगी, अगर माइनस में दो क्वांटिटी है तो इक्वल में वो किस में आ जाएंगी, डिवीजन में आ जाएंगी। थर्ड वन, log x रेज टू दी पावर y बेस e है, तो जो पावर होती है वो आगे जाती है y log x बेस e। फोर्थ फॉर्मूला, अगर किसी नंबर का log उसी बेस पर हम लें तो हमेशा किसके बराबर होगा वन के, e का लॉग बेस e पर वन, x का लॉग बेस x पर वन, z का लॉग बेस z पर वन होगा। तो बेटे ये जनरल फॉर्मूले हैं
जो हमें लॉग के लिए लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लॉग का कंसेप्ट था, अभी इनके यूजेज आप एरर में समझोगे। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था एरर के मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के लिए, वो आएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होने वाला चेंज, उसको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। तो वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। पहले इसकी हम नोटेशन की बात करते हैं, इसको हम नोटेट कैसे करते हैं। नोटेशन जैसे कहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स d अपॉन dx, ये इंप्लाई करता है चेंज किसके रेस्पेक्ट में, नीचे जो इसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है x के। तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैं चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x a की मतलब है। अगर मैं लिख रहा हूं d अपॉन dt, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू t और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अगर मैं लिख रहा हूं dx अपॉन dt, तो अब की बात किस में चेंज है, x में किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू t, और हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। अगर स्टूडेंट हम x को पोजीशन की तरह डील करें, तो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, अगर मैं लिखता हूं dv अपॉन dt, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, चेंज इन v विद रेस्पेक्ट टू t और डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप जानते हैं वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो मैं यहां से एक ये लिंक भी मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, ये तो जस्ट मैंने आपको डिफरेंशिएशन का जनरल मतलब बताया है, अब इसके हमें फॉर्मूले भी लर्न करने हैं, हमें सेलेक्टेड फॉर्मूले लर्न करने हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वन इज, हम किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप जानते हैं कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, तो अगर मैं कांस्टेंट को देखूं तो किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखो वो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो चेंज क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बताता है चेंज को, तो यहाँ पे चेंज कॉन्स्टेंट में देख रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में चेंज होना ही नहीं है, तो क्या रहेगा, जीरो। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ डी अपॉन डी टी ऑफ टू, कॉन्स्टेंट है टू, जीरो। मैं कहूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस फाइव, क्या होगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट कभी चेंज नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रहेगा। एक फॉर्मूला में लर्न करना है डी अपॉन डी टी या डी एक्स, जो भी हम बोले, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज है, और किसका चेंज है, एक्स की पावर एन का। इसका मतलब है एक्स की पावर एन में चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में, या एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं याद रखना है, जब पावर वाला डिफरेंशिएशन हो तो पावर को आगे लाते हैं, एन आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर कितनी पावर रह जाएगी, एन माइनस वन। इसके बेटा हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर मैं लिखूं d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5, तो x के रेस्पेक्ट में x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम करो, 5 में से एक कम होगा तो कितना रहेगा ऊपर, 4 रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3, 3 को आगे लाओ, ऊपर एक पावर कम करो, 3 में से एक कम हुआ तो कितना रहा, 2 रहा। d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस के 5 है, माइनस 5 को आगे लाओ, x की पावर माइनस 5 से एक और कम होने पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 2, स्टूडेंट यहाँ पे पावर 2 है, 2 को आगे लाओ, ऊपर एक पावर कम करो तो क्या बचेगा, 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं d अपॉन डी एक्स, एक्स का करूं, तो x की पावर क्या है, 1 है, 1 को आगे लाओ, ऊपर पावर क्या बचेगी, 0।
और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो हमें क्या मिला 1। तो बेटे इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। बेटे ये हमारे लिए की फॉर्मूले की तरह वर्क करेंगे जिनको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन लॉग के लिए फॉर्मूला है, अगर हम डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स निकालते हैं, लॉग एक्स यहाँ पे बेटा बेस ई होता है, तो लॉग एक्स बेस ई, तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का होता है 1/x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन फर्स्ट, सपोज करो आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है 5x³ का माइनस 3x⁻³ + 5 लॉग एक्स बेस ई प्लस 6। ओके, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में आपको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मल्टीपल नहीं करते थे अंदर ऐसे अब क्या हरेक का में डिफरेंशिएशन करना। तो देखो सबसे पहले पहले टर्म का करेंगे, यहाँ पे 5 तो कॉन्स्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स हमें करना होगा x की पावर 3 का, यहाँ पे माइनस 3 कॉन्स्टेंट हो गया, डी अपॉन डी एक्स करना होगा हमें x की पावर माइनस 3 का, इस वाले टर्म में 5 कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा हमें लॉग एक्स बेस ई का, प्लस यहाँ तो अकेला ही कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स इसी का करना होगा 6 का। तो अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था पावर वाला, x की पावर 3, तो पावर 3 आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम करेंगे, एक कम होने पर कितनी बचेगी 2, माइनस 3 इंटू यहाँ x की पावर माइनस 3 है, तो पावर तो आगे आएगी, ऊपर एक पावर कम होगी, माइनस 3 में से एक और कम हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 4, प्लस 5 इंटू भी आपने पढ़ा था लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता था स्टूडेंट्स 1/x। और अगर हम अकेले कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आया 15x² माइनस माइनस प्लस 9, चाहो तो पावर को नीचे ला सकते हो, प्लस में हो जाएगी, प्लस 5/x, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 3 लॉग एक्स बेस। ओके सो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे होमवर्क में, ओके ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो आपने देखा मेनली हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक तो फॉर्मूला था x की पावर n का, तो n पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, दूसरा फॉर्मूला था log x का जो होगा 1/x। तो बेटे आज जो मैंने क्लास में आपको लॉगरिथम के फॉर्मूले कराए हैं और जो डिफरेंशिएशन के 2-3 जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आगे जो हमारी कंसेप्ट आएगी एरर फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एरर फॉर डिवीजन एंड एरर फॉर एक्सपोनेंट, इन सब में ये सारी कंसेप्ट यूज होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।